आज आदित्य L1 की कक्षा बढ़ाएगा इसरो। अभी उसकी पृथ्वी से सबसे ज्यादा दूरी 19,500 किलोमीटर 126 दिन में L1 पॉइंट पर पहुंचेगा। पृथ्वी की अंडाकार कक्षा में पहुंचने के बाद आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट की आज यानी रविवार 3 सितंबर को सुबह करीब 11:45 पर ऑर्बिट बढ़ाई जाएगी। इसरो के वैज्ञानिक ऑर्बिट बढ़ाने के लिए स्पेसक्राफ्ट के इंजन कुछ देर के लिए फायर करेंगे। अभी आदित्य 235 किलोमीटर की कक्षा में है। आदित्य स्पेसक्राफ्ट को 2 सितंबर को सुबह 11:50 पर PSLV-C57 के XL वर्जन रॉकेट के जरिए श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। लॉन्चिंग के 63:19 बाद स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया गया था। करीब 4 महीने बाद यह 15,00,000 किलोमीटर दूर लैग्रेंज पॉइंट 1 तक पहुंचेगा। इस पॉइंट पर ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता, जिसके चलते यहां से सूरज पर आसानी से रिसर्च की जा सकती है। लैग्रेंज पॉइंट का नाम इतावली फ्रेंच मैथमेटिशियन जोसेफी लुई लैग्रेंज के नाम पर रखा गया है। इसे बोलचाल में L1 नाम से जाना जाता है। ऐसे 5 पॉइंट धरती और सूर्य के बीच है, जहां सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल बैलेंस हो जाता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बन जाती है। ऐसे में इस जगह पर अपनी किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो वह आसानी से उस पॉइंट के चारों तरफ चक्कर लगाना शुरू कर देता है। पहला लैग्रेंज पॉइंट धरती और सूर्य के बीच 15,00,000 किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसे कुल 5 लैग्रेंज पॉइंट मौजूद है। इसरो का कहना है कि L1 पॉइंट के आसपास हेलो ऑर्बिट में रखा गया सैटेलाइट सूर्य को बिना किसी ग्रहण के लगातार देख सकता है। इससे रियल टाइम सोलर एक्टिविटीज और अंतरिक्ष के मौसम पर भी नजर रखी जा सकेगी। ये 6 जनवरी 2024 को L1 पॉइंट तक पहुंचेगा। हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।